लड़की है या रेशम की डोर है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मांगो, क्या मांगते हो? आपका हाथ। अच्छा हुआ तुम यहाँ खुद चले आए। ज्यादा मजबूत है, शेर से ज्यादा ताकत है उसमें, और खून में वो गर्मी है जैसे पिघला हुआ सीसा दौड़ रहा हो। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अपने जमाने की स्टाइलिश और मॉडल एक्ट्रेस ज़ीनत अमान की। दोस्तों, ज़ीनत अमान एक ऐसी अदाकारा हैं जिनकी तस्वीर जहन में आती है तो एक साँचे में डली हुई किसी परीजा की तरह खूबसूरत हसीना सी लगती है वो, जो कभी नज़र आई फिल्मों में अपने जलवे बिखेरती हुई या फिर बतौर मॉडल किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करती हुई या फैशन शो के रैम पर कैथरॉप करती हुई, सबके दिलों पर राज करती हुई या फिर देखने वालों के दिलों को चुराती हुई। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ज़ीनत अमान का जन्म 19 नवंबर सन 1951 में मुंबई में हुआ। उनके पिता अमानुल्ला खान अपने ज़माने के जाने माने फिल्म लेखक थे। मुगले आज़म, पाकिज़ा जैसी फिल्में उन्होंने अमान साहब के नाम से लिखी। जाहिर सी बात है, ज़ीनत अमान को फिल्मी परवेश विरासत में ही मिला है। ज़ीनत अमान की शुरुआती पढ़ाई पंचगनी महाबलेश्वर में हुई। बाद में वो लॉस एंजेलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए गईं, पर किसी कारणवश वो पढ़ाई पूरी ना कर सकीं। पिता का साया उनके सर से उठा, उस वक्त उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। उसके बाद उनकी माँ जर्मन में जाकर बस गईं। कुछ समय तक ज़ीनत अमान भी जर्मन में रहने के बाद वापस अपने देश भारत आ गईं। बहरहाल, कैलिफोर्निया में पढ़ाई अधूरी छोड़ मुंबई आने पर उन्होंने फेमिना मिस इंडिया इस मैगजीन में बतौर पत्रकार काम करना शुरू किया। यहीं से उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया का रुख भी किया। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। मॉडलिंग की दुनिया में छा जाने के बाद 1970 के आसपास उनके कदम बढ़े मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की रैम की ओर। इसमें वो सेकंड रनर ऑफ रहीं और आगे बढ़ते हुए उन्होंने पाया मिस एशिया स्पेसिफिक का ताज। इसी के दम पर 1971 में ओपी रधन ने उन्हें 2 फिल्मों में छोटे मोटे रोल दिए। फिल्में थीं हलचल और किशोर कुमार अभिनीत फिल्म हंगामा। दुर्भाग्यवश दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना हो सकी। मारे हताशा के ज़ीनत अमान पैकअप कर चुकी थी जर्मन जाने के लिए अपनी माँ के पास, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूँ कि अपने ज़माने के मशहूर मारूफ अदाकार प्रोड्यूसर डायरेक्टर देवानंद हिप्पी सवाल पर एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म का नाम था हरे राम हरे कृष्णा। फिल्म की हीरोइन थी मुमताज़। सेकंड लीड हीरोइन का किरदार देवानंद अपनी एक पुरानी फिल्म की हीरोइन को देना चाहते थे, लेकिन उस अदाकारा ने सेकंड लीड का ये रोल करना मंजूर नहीं किया। बस इसी वजह से ज़ीनत अमान को आखिरी समय पर वो रोल मिल गया। जर्मन जाना उनका हो गया कैंसल और उन्हें वो मिल गया जिसका उन्हें इंतज़ार था। जिसका मुझे था इंतजार। हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म का देवानंद की छोटी बहन का रोल, जो काफ़ी पेचीदा भी था, ज़ीनत अमान ने बखूबी निभाया। उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिर क्या था, देवानंद ने ज़ीनत अमान के सामने कई फिल्मों के ऑफ़र रखे। 1973 में हीरा पन्ना, 1974 में इश्क इश्क इश्क, सन 74 में फिल्म
प्रेम शास्त्र 1975 में फिल्म वारंट। रुक जाना, ओ जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना। वारंट फिल्म ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। इसके बाद 1977 में डार्लिंग डार्लिंग और कलाबास। 1973 में नासिर हुसैन ने मल्टी स्टारर फिल्म बनाई थी यादों की बारात। इसके एक अहम रोल में थी जीनत अमान। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के हिप्पी रोल में जीनत अमान ने जो कमाल किया था, उसके मद्देनज़र जीनत अमान को ये यादों की बारात वाला रोल मिला था। मगर जो एक दिन में गुजरी, गली में सरकार दी। यादों की बारात इस फिल्म के रोल के लिए उन्हें खूब सराहना मिली। दोस्तों, 70 का दशक जीनत अमान का दशक माना जा सकता है। उस दौर के हर फिल्मी मैगजीन्स पर उन्हीं की तस्वीर देखी जा सकती थी। उनका ग्लैमर इस कदर छाया हुआ था कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में जाने वाली जो युवतियाँ होती थीं, उन्हीं के जैसे फैशनेबल लिबास पहनना चाहती थीं। यही नहीं, कुछ एक अदाकाराओं ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर सफलता भी पाई है। इनमें से प्रमुख हैं अदाकारा परवीन बाबी और टीना मुनीम। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, शादी के नाम से डरती हूँ। दोस्तों, माना कि जीनत अमान ने देवानंद के बैनर नवकेतन के लिए या देवानंद के लिए काम करते हुए सफलता अर्जित की। इतना ही नहीं, दूसरे बैनरों के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया है। मिसाल के तौर पर बीआर फिल्म्स की इंसाफ का तराजू, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। इस फिल्म का उद्देश्य ये दिखाना था कि आत्मा शरीर से अधिक सुंदर होती है। उन्होंने भी फिल्म की डिमांड को ध्यान रखते हुए बाकमाल अदाकारी की। घोर भयपन घट पे मोहे नट खट शा। संजय खान की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी फिल्म थी अब्दुल्ला। इसमें भी जीनत अमान ने रोल किया था। दोस्तों, मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, इस उद्देश्यपूर्ण फिल्म में भी जीनत अमान ने अदाकारी के जौहर दिखाए। अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मनमोहन देसाई की फिल्म डॉन में उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि वो केवल एक ही तरह के नहीं बल्कि हर तरह की अदाकारी में निपुण हैं। फिरोज खान के बैनर एफ के बैनर के लिए भी उन्होंने काम किया है। आप जैसा कोई भी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। दोस्तों, प्रकाश मेहरा की फिल्म लावारिश में भी उन्होंने अपने खूबसूरत अभिनय का परिचय दिया है। उनके नायक इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन। सबके बिछड़े हुए हम आज कहां। गोल्डन जुबली डायरेक्टर राज घोसला की सफल फिल्म थी दोस्ताना। इसमें जीनत अमान ने सफलतापूर्वक अपने अभिनय की ऊंचाइयों को छुआ है। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा। दोस्तों, शक्ति सावंत की प्रमुख फिल्में अजनबी और द ग्रेट गैम्बलर, इन फिल्मों में भी उन्होंने अदाकारी की है। फिल्म अजनबी में उनके नायक थे राजेश खन्ना। फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में उनके हीरो थे अमिताभ बच्चन। तो लफ्जों के दिल की कहानी। कृष्णा शार की इंटरनेशनल स्तर की फिल्म थी शान। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं हुई, पर इसमें भी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया था। कई नामी गिरामी फिल्मों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। हीरा लाल पन्ना लाल, चोर के घर चोर, छल्ला बाबू और धर्मवीर। दोस्तों, 1989 में आई फिल्म गवाही में जीनत अमान
बतौर नायिका नजर आईं। सन 1999 में करीब 10 सालों के बाद भोपाल एक्सप्रेस में वो दिखाई दी। इसी तरह से 2003 में फिल्म बूंद, 2006 में जाना लेटेस फॉल इन लव, 2007 में चौराहे, 2008 में अगली और पगली, 2009 में गीता इन पैराडाइज, 2010 में डू नो वाई न जाने क्यों, और 2012 में स्ट्रिंग ऑफ पैशन। इन फिल्मों में भी ज़ीनत अमान नज़र आई थीं।